दोस्तों जेठालाल और बापू जी घूमने के लिए जंगल में जाते हैं और दोनों ही जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी जेठालाल देखता है कि कोई आसमान से चमकती हुई चीज धरती की ओर आ रही है। जेठालाल उस चमकती हुई चीज का पीछा करता है और जैसी वो चमकती हुई चीज जमीन पर गिरती है, जेठालाल उसके पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बॉक्स है जो कि बंद पड़ा हुआ है। जेठालाल उस बॉक्स को उठाता है और खोलने की कोशिश करता है, पर वो बॉक्स नहीं खुलता है और तभी वो बॉक्स अपने आप हिलने लग जाता है और जमीन पर जाकर गिर जाता है। और तभी उसमें से एक आवाज आती है, ये एक मायावी बॉक्स है, अगर तुम इस बॉक्स को खोलना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। और वो पहेली ये है कि ऐसी क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से हमें कमेंट करिए। दोस्तों इस पहेली का उत्तर है सपना, जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। तभी दोस्तों वो बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स में एक घड़ी रखी थी। वो घड़ी अपने आप जाकर जेठालाल के हाथ में चिपक जाती है और तभी जेठालाल एक सुपरमैन बन जाता है। और दूसरी ओर बापूजी जेठालाल का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक एलियन आता है और बापूजी के अंदर घुस जाता है और फिर बापूजी एक एलियन बन जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जेठालाल वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है और फिर बापूजी के पास जाता है और तभी देखता है कि बापूजी तो वहाँ पर है ही नहीं। जेठालाल को लगता है कि बापूजी घर चले गए हैं और तभी जेठालाल भी घर चला जाता है। और फिर जब जेठालाल जा रहा होता है तभी वो देखता है कि अय्यर बहुत टेंशन में है। जेठालाल अय्यर से पूछता है, अय्यर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी अय्यर बोलता है, यहाँ पर एक एलियन आया था और वो बबीता जी को उठाकर अपने साथ ले गया। तभी जेठालाल सुपरमैन बनता है और अय्यर को बोलता है, अय्यर ये बताओ वो एलियन बबीता जी को किस ओर ले गया है? तभी अय्यर बोलता है, वो बबीता जी को इस ओर ले गया है। फिर जेठालाल जल्दी से उड़कर बबीता जी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और फिर जब जेठालाल आगे जाता है तो देखता है कि आगे तो तीन रास्ते हैं। जेठालाल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो एलियन बबीता जी को इन तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते से लेकर गया है। दोस्तों क्या आप इन तीनों रास्तों को ध्यान से देखकर बता सकते हो कि जेठालाल को इन तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते से जाना चाहिए? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता चल गया है तो जल्दी से हमें कमेंट करिए। दोस्तों जेठालाल सेकंड वाले रास्ते से जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेकंड वाले रास्ते को देखोगे तो उस पे दो इंसानों के पैरों के निशान है और पहले और तीसरे रास्ते पर सिर्फ एक ही इंसान के पैरों के निशान है। यानी कि दोस्तों वो एलियन बबीता जी को दूसरे वाले रास्ते से लेकर गया है। फिर दोस्तों जेठालाल भी उसी रास्ते से चला जाता है आगे। फिर जब जेठालाल आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक गुफा है और फिर जेठालाल उस गुफा के अंदर चला जाता है। और फिर जब जेठालाल गुफा के अंदर पहुँच जाता है तो देखता है कि बबीता जी को कुर्सी से बांध के रखा गया है और देखता है कि जो एलियन है वो और कोई नहीं बल्कि बापूजी थे। फिर जेठालाल और एलियन में बहुत लड़ाई होती है। फिर वो एलियन हार जाता है और बापूजी में से निकल कर वहाँ से चला जाता है। और फिर दोस्तों जेठालाल बबीता जी को बचा लेता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।